ओम शांति। 20 मार्च 1987 की अव्यक्त मुरली, स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। आज बाप दादा सद्गुरु के रूप में हम सभी बच्चों की सत्यता की अथॉरिटी को और शक्ति को देख रहे थे। बाप दादा ने कहा कि बच्चे, सत्यता अविनाशी है, सत अर्थात सत्य। दुनिया में भी कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत बाप तो एक ही है। और आत्मा के लिए भी कहते हैं सत चित आनंद स्वरूप, और सत चित आनंद इस स्थिति में सत्यता की शक्ति छिपी हुई है। कहते हैं ना कि सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो यहाँ बाबा ये कहना चाहते हैं कि बच्चे, जब आप सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हो तो ये सत्यता की शक्ति आत्मा को कितना मजबूत बनाती है। सच तो बिठो नच, सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमज़ोर भी नहीं होगा, शक्तिशाली रहेगा। सत्यता को सोने के समान कहा जाता है और असत्य मिट्टी के समान, इसलिए तो सत का संग कहा जाता है ना। तो सत्यता हमेशा सिद्ध होके रहती है। सत्यता की शक्ति से तो सत्युग बनाते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी बच्चों ने अपने में कहाँ तक धारण की है। अभी बाबा ने सत्यता का महत्व तो बताया, अब बाबा हम बच्चों की अथॉरिटी को देख रहे थे। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा। हाँ, सत्यता की शक्ति क्या है, उसकी धारणाएँ क्या है, बाबा ये स्पष्ट करते हैं। उनको भय नहीं लगेगा, वो आत्मा शक्तिशाली श्रेष्ठ होगी। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, याद, गुण, सब सत्य शक्तियाँ हैं। तो इतनी शक्तियाँ जब बच्चों को प्राप्त होती है तो कितना नशा होना चाहिए। वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता भी होनी चाहिए, क्योंकि जितना बड़े से बड़ी अथॉरिटी होती है ना, उतना ही नम्रता भी हो। क्योंकि जैसे वृक्ष का दृष्टांत देते हैं, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वह झुकता है, निर्माण बन के सेवा करता है ना। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने ही वो निर्माण स्नेही होंगे, निरअहंकारी होंगे। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा का मिसाल दिया। देखो, ब्रह्मा बाप इस झूठ खंड के अंदर भी सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष फल है ना, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देते हैं ना। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल है, लेकिन अभिमान नहीं है, बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरअहंकारिता है। तो ऐसे बोल होने चाहिए, इसमें फॉलो फादर करना है, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप करना है। क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल तो आपके सामने है ना। जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन में
चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करना है। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता, ये साथ साथ दिखाई दे। ब्रह्मा बाबा को देखा और अभी मुरली भी सुनते हो, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। देखो बाबा बच्चे बच्चे भी कहते हैं लेकिन अथॉरिटी भी है, तो स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस अब वर्तमान समय बच्चों को सेवा में लाना है। तो आज बाप दादा ने बहुत गहराई से स्पष्ट किया कि सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, सत्य बाबा मिला, आत्मा का सत्य स्वरूप जान लिया ना, तो उसको अब हमें अपने जीवन में लाना है। और जब ये सत्यता की अनुभूति हम करेंगे, अर्थात आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, रूहानियत हमारे अंदर आती जाएगी ना, उतना ही बाबा कहते हैं कि आप बच्चों के अंदर निर्माणता आएगी, मधुरता आएगी और बाप समान बैलेंस से आप सत्यता की शक्ति का अनुभव कर सकेंगे। तो हम स्वयं में चेक करेंगे कि ये सारे गुण मुझ आत्मा में कहाँ तक आए हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने चलते फिरते इस बैलेंस को साथ में अनुभव किया ना और कराया, वैसे हमें भी करना है। फिर बाबा ने बच्चों से मुलाकात की और सेवा की सफलता को देखते हुए फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब सेवा में नवीनता लानी है। देखो कोई बीमार व्यक्ति होती है, कमज़ोर होती है, तो उसको ज़्यादा ताकत वाली दवाई नहीं दी जाती है, पहले तो हल्की देते हैं ना। किसी कमज़ोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो ये रॉन्ग है। तो बच्चों को भी सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी तो चाहिए, लेकिन परख कर उस आधार से ज्ञान देना है और अपनी वृत्तियों से आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करना है। नवीनता, सत्यता और महानता, ये तीनों का बैलेंस होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो स्नेह और शांति तो बच्चों ने प्रत्यक्ष किया, बाबा तो प्यार का सागर है ना, शांति का सागर, अब बच्चों को इनका स्वरूप बन करके नए ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है। अभी नई नई इन्वेंशन निकालनी है। बाप दादा खुश है बच्चों की मेहनत को देखकर, अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज़ मिली है ना। तो अब नई नई सेवा की इन्वेंशन करना है। कोई भी आत्मा संबंध में लाए और फिर उसको समर्पित कराना है, संपर्क से संबंध में लाना है और संबंध में आते आते वो समर्पित बुद्धि हो जाएगी, फिर क्वेश्चन नहीं उठेगा। तो यहाँ बाबा ने अलग अलग युक्तियाँ बताई कि बच्चे अब तो सबको राज्य अधिकारी भी तो बनाना है ना, अब तो ज्ञान को भी प्रत्यक्ष करना है, अब सबके मुख से एक ही आवाज़ निकलेगा, जब बाबा हमारा तब प्रत्यक्षता होगी। तो अब बच्चों को ऐसी शिवरात्रि मनानी है, इसको कहते आज और कल का खेल। आज अंधकार है और कल गोल्डन मॉर्निंग होगी। तो बच्चों को नई नई विधि से देश विदेश में सेवा का विस्तार करना है। फिर बाबा ने कहा कि समर्पित तो कराना है ना ब्राह्मणों को। देखो आप मरजीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए, कहते हो ना मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं तेरा हो गया, प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो,
लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। ये दिल का सौदा है, हाँ। कितनी बाबा ने गहरी बात कही कि कैसे बच्चों को दिल से बाबा को मेरा कह के दिल का सौदा करना है। मुख का स्थूल सौदा नहीं, दिल का। तो सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले, हाँ। बहुत गहरी बात बाबा ने बताई, सरेंडर माना श्रीमत के अंडर अर्थात अधीन रहने वाले, बाप की श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी युक्ति बताई आगे बढ़ने के लिए, सहनशीलता के गुण को अपनाना है। जितना सहनशील होंगे, सत्यता की शक्ति होगी, उतना सहज अपना राज्य जल्दी से ला सकेंगे। तो अब ऐसे अथॉरिटी बनना है। बाबा अर्थात सदा स्वयं को बाबा की याद में रखना है। तो जो बीके बनते हैं वो सदा ओके रहते हैं। बाबा ने कहा ओके माना बाबा भी याद रहे और वर्षा भी याद रहे। तो ऐसे बच्चों को आधार मुहूर्त बनना है। सदा ये नशा रहे, स्वयं भी महान, हमारी सेवा भी महान है और प्राप्तियाँ भी महान है। चलते फिरते इस नशे में रहना है। तो इस समय के महत्व को स्मृति में रखना है। बाबा ने बहुत सुंदर स्वमान दिया। एक तो ये याद रखना है, स्वयं महान, सेवा भी महान, प्राप्ति भी महान। दूसरा बाबा कहते हैं ये स्मृति रहे कि मैं भाग्य विधाता बाप का बच्चा भाग्यवान हूँ। ये रूहानी नशा हो। हर एक बाप के बच्चे एक दो से भाग्यवान है, श्रेष्ठ है। यह शुद्ध नशा रहे, हाँ। हर एक भाग्यवान बच्चे बाबा के एक दो से महान है। यह शुद्ध नशा रहे। इस नशे में भाग्य को देख भाग्य विधाता बाप सदा याद रहना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी युक्ति आज बाबा ने बताई। अपने भाग्य को देखो और भाग्य को देखते देखते भाग्य विधाता बाप की याद में रहना है। तो देह अभिमान नहीं आएगा। मेरा बाबा कहेंगे ना, तो सदा प्राप्तियाँ ही प्राप्तियाँ अनुभव होगी। सदा बाप के साथ रहना है। साथ रहते रहते बाप समान बन जाएंगे। तो हम अभ्यास करेंगे जितना हो सके चलते फिरते बाबा के साथ का अनुभव करना है। अपने भाग्य को याद करना है, अपनी प्राप्तियों को याद करना है। तो आज हम एकांत में बैठे और स्वयं को चेक करें, हम कितने महान हैं, कितने भाग्यशाली है। भाग्य विधाता बाप के बच्चे बन गए, तो आज से हम अपने भाग्य को भी याद करेंगे, भाग्य विधाता बाप को साथ रखेंगे, तो बाप समान बन जाएंगे। और दूसरा चेकिंग, सत्यता को धारण करेंगे, रूहानियत की शक्ति से स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी दोनों का बैलेंस, महानता भी हो नम्रता भी हो। जितनी सत्यता की शक्ति आएगी, सत्य ज्ञान को स्वरूप में लेते जाएंगे, तो बाप सहज प्रत्यक्ष होगा। इसके लिए याद रखेंगे फॉलो फादर, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे मुझे फॉलो करना है। तो स्वयं को देखें इस सत्य स्वरूप में, मैं सत्य आत्मा, सत्चित आत्मा,
सत बाप की संतान हूँ। मुझ आत्मा से सत्यता की शक्ति चारों तरफ फैल रही है। मेरे बोल, मेरा कर्म महानता के साथ साथ स्नेह भरे बन रहे हैं। बाप के साथ साथ मैं अपने भाग्य को देख रही हूँ। इसी नशे में रहे हम कितने भाग्यशाली हैं। इसी स्नेह के साथ सबसे व्यवहार करेंगे, बैलेंस रखेंगे, अथॉरिटी भी हो और स्नेह स्वरूप भी हो। ओम शांति।